Hello viewers, welcome to Mathematics Class for 10th Standard. बच्चों आप जानते हो कि हम स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर आजकल कर रहे हैं और आज भी हम एक्सरसाइज 14.2 से कुछ मजीद क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इस डेटा में जो डिटेल दिया है वो है लाइफ टाइम कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का। 225 कंपोनेंट्स हैं, हमें देखना है मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। इसका मतलब हमें इस डेटा का मोड निकालना है। मोड आप जानते हो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी डेटा में, उसी में मोड होता है। अब डेटा यहाँ पर है लाइफ टाइम इन आवर्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 0 to 20 आवर्स। कुछ कंपोनेंट्स की लाइफ है 0 से 20 आवर्स तक और उनकी तादाद कितनी है 10। इस तरह से 35 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम है 20 to 40 आवर्स। 52 ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 40 to 60 आवर्स है। 61 के का लाइफ टाइम 60 to 80 आवर्स है। 38 कंपोनेंट्स उनकी लाइफ टाइम है 80 to 100 आवर्स। इसी तरह से 29 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 100 आवर्स से 120 आवर्स तक है। हमें इसमें निकालना है मॉडल लाइफ टाइम, क्योंकि मोड वो वैल्यू होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है डेटा में। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो हमें दिखती है वो 61 सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सो इस तरह से मोड जो होगा वो इसी क्लास के अंदर होगा 60 to 80। इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस डेटा का मोड होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे मॉडल क्लास जो है, जिस क्लास में मोड है वो 60 to 80 है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं मॉडल क्लास कौन सा है 60 to 80, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है 60 to 80। तो ये मॉडल क्लास हो गया। अब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसका लोअर लिमिट है 60, अपर लिमिट 80 है, अगर हमें लोअर लिमिट लेना है वो 60 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 61 है, जो मॉडल क्लास है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 61 है, जो इससे पहले वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 52 है, इसको हम F0 लिखते हैं। इस तरह से इसके बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 38 है, जिसको हम F1 लिखते हैं। तो F0 52 है, F1 61 है और F2 38, ये यहाँ हम लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 वो 61 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पहले है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F0 हम उसको लिखते हैं, वो 52 है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के बाद है, उसकी फ्रीक्वेंसी F2 हम लिखते हैं, वो 38 है। यहाँ फिर देखिए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 61 है, इससे पहले वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी F0 52 है और उसके बाद वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी F2 38 है। और क्लास साइज जो है इसमें वो 20 है, क्योंकि अगर कहीं भी हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आएगा, या 40 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120, कहीं भी आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए वो 20 आएगा। इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास साइज जो है वो H20 है। अब मोड हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। ये हमने निकाल के रखा है L F1 F0 F2 H, ये हमने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है कि किसका वैल्यू क्या है। अब यही वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ से हमें मोड मिलेगा। अब L लोअर लिमिट हमारे पास 60 है, F1 हमने देखा कि 61 है, F0 52 है, 2F1 2 इंटू 61, इस तरह से F0 फिर 52 है और F2 का वैल्यू हमने देखा 38 है और H क्लास साइज वो 20 है। अब इसको वैल्यू निकालते हैं, 60 ऐसे ही रहेगा,
इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 9 आता है, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं वो 122 आएगा, इन दो को ऐड हो जाएगा ये -90 बनेगा, इसको 20 को ऐसे ही रखते हैं। अब इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 32 आएगा, जब 122 से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 32 आएगा। अब इस ये जो है ये इसको हम वैल्यू निकालेंगे, 9 को 20 से मल्टीप्लाई होगा 180 बनेगा डिवाइडेड बाई 32, और इसका वैल्यू आता है 5.625। 180 को 32 से डिवाइड करेंगे वहाँ आता है वैल्यू 5.625। अब इसको 60 से ऐड करेंगे तो 65.625। तो इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन इस डेटा का जो मोड आ गया तो वो कितना आ गया, हैंडल्स मोडल लाइफ टाइम इज 65.625 आवर्स। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थे इनका मॉडल लाइफ टाइम है, मैक्सिमम अप्लायंसेस कंपोनेंट्स का जो लाइफ टाइम है वो है 65.625 आवर्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये जो डेटा यहाँ पर हमारे पास है नीचे, उसमें 200 फैमिलीज की मंथ का मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 200 फैमिलीज हैं उनका मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और हमें इनमें से निकालना है एक तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना, तो इसका मतलब मोड निकालना है, और मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालना, इसका मतलब है मीन भी निकालना है। तो दो चीज़ें इस डेटा में से हमें निकालनी, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। अब डेटा देखते हैं, एक्सपेंडिचर इन रुपीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। 24 फैमिली का एक्सपेंडिचर है 1000 रुपीज से 1500 रुपीज तक है। इसी तरह से 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 तक है। 33 फैमिलीज उनका एक्सपेंडिचर 2000 से 2500 तक है। 28 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 2500 से 3000 तक है। इस तरह से 30 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 3000 से 3500 तक है। 22 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर 3500 से 4000 तक है। 16 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर 4000 से 4500 तक है, और 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 4500 से लेकर 5000 रुपीज़ तक है। तो पहले हमें इसमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम देखेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं हम जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो 40 है, ये 24 है 33 ऐसे ही, लेकिन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 है। ये कौन सा क्लास है, 1500 to 2000। तो इस तरह से मॉडल क्लास जो है वो 1500 to 2000 है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, तो इसका मतलब F1 40 है। इससे पहले वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, इसका मतलब F0 24 है। इस मॉडल क्लास इसके बैथ की क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 है, तो F2 33 है। तो F0 24 है, F1 40 है, और F2 33 है। तो मॉडल क्लास जो है वो 1500 to 2000। मॉडल क्लास कौन सा है इसमें, 1500 to 2000। इस तरह से लोअर लिमिट इसका क्या है, 1500, सो L इज इक्वल टू 1500। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1, वो हमने देखा कि वो 40 है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, और उससे पहले वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, और उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 33 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग मीन्स जो इससे पहले है, प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास F0 उसको रखते हैं 24 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग उसके बाद आने वाला प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास F2 उसकी फ्रीक्वेंसी 33 है। तो क्लास साइज जो यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिफरेंस देखिए, वो 500 है। यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए 500 आएगा, कहीं भी आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कीजिए वो 500 आएगा। इस तरह से क्लास साइज जो यहाँ पर है वो 500 है। अब मोड निकालते हैं, मोड एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई टूस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम,
एल लोअर लिमिट 1500 है, एफ वन हमने देखा कि 40 है और एफ ज़ीरो 24 है, फिर 2 इंटू एफ वन, सो 2 इंटू 40 माइनस एफ ज़ीरो 24 माइनस एफ टू 33 इंटू एच क्लास साइज दैट इज़ 500। अब पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कितना बनेगा 16, इन दो को मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 80 बनेगा, यहाँ इन दो को ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये 57 बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 23 बनेगा। अब हमारे पास है एल मोड इज इक्वल टू 1500 प्लस 16 बाई 23 इंटू 500, यहाँ पर 16 को 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1500 प्लस 16 को 500 से मल्टीप्लाई हो बनेगा 8000 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ देखिए 1500 प्लस 8000 डिवाइडेड बाई 23, 8000 को 23 से डिवाइड करते हैं वो बनेगा 347.83। और भी डेसिमल प्लेस हैं उनको इग्नोर करते हैं हम, तो इन दो को अब ऐड हो जाएगा ये बनेगा 1847.83। तो इस तरह से मॉडल एक्सपेंडिचर जो इस में आ गया वो आ गया 1847.83 रुपीज़। चूँकि हमें इस डेटा का मीन भी निकालना है, मीन एक्सपेंडिचर भी निकालना है, इसलिए हम इस पर मीन निकालेंगे। तो मीन के निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालना। तो आइए इनका क्लास मार्क निकालते हैं, इसका क्लास मार्क है मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 वो बनता है 1250। इस तरह से इसका क्लास मार्क बनेगा 1750, इसका बनेगा 2250, इसका बनेगा 2750, इसका बनेगा 3250, इसका बनेगा 3750, इसका आएगा 4250 और इसका आएगा 4750। ये आप जानते हो कि कैसे ये क्लास मार्क निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से ये क्लास मार्क हमने निकाला। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स आई वैल्यूज़ हैं मिड पॉइंट के वैल्यूज हैं ये बड़े हैं और यहाँ जो एफ आई वैल्यूज ये भी थोड़े से बड़े हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड सेटअप डिविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहती है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यू आई का वैल्यूज निकालना। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये एक्स आई ये वैल्यूज हैं अपने अपने क्लास के और ए क्या होता है, इन वैल्यूज में से मिड पॉइंट्स में से कोई एक वैल्यूज हम चूज करते हैं जिसको हम मिड पे ए लेते हैं एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ हमने लिया है 2750 को ए, तो ए इज इक्वल 2750 और एच जो होता है यू यूजुअली क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज यहाँ पर आप देखते हो इनका डिफरेंस आता है 500, तो h इज इक्वल टू 500। तो अब हम हर क्लास में देखेंगे एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, तो यहाँ क्या बनेगा 1250 माइनस 2750 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आएगा माइनस 3, इस तरह से इसका आएगा माइनस 2, इस तरह से इसका आएगा माइनस 2, इसका आएगा माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपने देखा कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये हमने रखा है इस डेटा में 2750 ये वाला वैल्यू और एच रखा है हमने 500 जो यहाँ पर क्लास साइज है। तो जब इसको हम हर क्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं वो वहाँ यहाँ आता है इस क्लास के लिए माइनस 3, यहाँ माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफ आई एक्स यू आई निकालना, फ्रीक्वेंसी और यू आई वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। 24 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 72 बनेगा, 40 इंटू माइनस 2 माइनस 80, 33 इंटू माइनस 1 माइनस 33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, 7 इंटू 4 28। अब हमें करना है एफ आई यू आई वैल्यूज, इनका सम निकालना, ये देखना है कि ये वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसका भी ख्याल रखना है। तो हमारे पास जो इनका लास्ट पर सम आता है वो है माइनस 35, क्योंकि इसमें माइनस ज़्यादा आते हैं और प्लस कम आते हैं। इस तरह से ये एफ आई वैल्यूज़ जो हैं इनका भी सम निकालना है, वो तो आता है 200। इस तरह से समेशन एफ आई जो है इसको लिखेंगे, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 200 और समेशन एफ आई यू आई है माइनस 35।
अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे हम मीन निकालें। तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर एक्स बार कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने स्टेप डिवीजन वाला मेथड यूज किया है, इसलिए क्या आएगा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब इसका वैल्यू सब शूट करते हैं। ए हमने रखा है 2750 जो कि हमने टेबल में अभी देखा, समेशन एफ आई यू आई आ गया -35, समेशन एफ आई है 200 और एच का वैल्यू है 500। ठीक है, तो अब इस पार्ट का वैल्यू निकालते हैं, -35 डिवाइड बाई 200 इंटू 500, तो इसका आता है 87.5। ये भी वो भी माइनस, क्योंकि ये माइनस है। अब 2750 में से सब्ट्रैक्ट होगा 85.7, तो वो बनता है 2662.5। तो इस तरह से मीन मंथली एक्सपेंडिचर जो इसमें है वो है 2662.5 रुपीज। तो हम लिखेंगे हैंस मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 1847.83 एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 2662.50 रुपीज। तो इस तरह से हमने देखा कि मोड और मीन कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।